आज सारा देश एक अलग मूड में था। 370 कलम हटने से देश में एक आनंद लहर आई थी। खुद सुषमा जी ने आनंद का एक ट्वीट व्यक्त किया था शाम को, और उसके बाद कुछ समय के बाद यह दुखकारक क्लेशकारक न्यूज आई। ये सबको धक्का देने वाला है। उन्होंने परराष्ट्र मंत्री का किया हुआ काम या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री हुए काम, अलग अलग जिम्मेदारियां पार्टी में उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारी निभाई, विरोधी पक्ष नेते की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तिमत्व उनका था, समाज के सारे लोगों को अपना लगने वाला उनका व्यक्तिमत्व था। उनके आज निधन से केवल पार्टी का नहीं बल्कि देश के सारे लोगों को अपना एक आदमी का कुछ नुकसान, अपने आदमी का निधन हुआ, ऐसा दुख हुआ है। बीजेपी का तो एक बहुत बड़े नेता थे वो, उनके निधन से पार्टी का भी बहुत बड़ी क्षति हुई है।